जवाब दो मान लो कि भाई एक पूरे महल ना रिलेटेड काम है अगर इसका विरोध जता रहे हैं कोई साइड इफेक्ट तो उतरा दो। तो सर पहले नहीं पता था इसके लगने से साइड इफेक्ट हो सकता है? कोई साइड इफेक्ट इनसे इन्हें सारा वो दिखा के इन्होंने करवाया? नहीं नहीं हमारे को नहीं दिखाया। नहीं 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 एक बार आपको नहीं दिखाया लेकिन अगर इनके परमिशन से लगा होता तो ये लोग यहाँ पर विरोध मैं करता हूँ। कुछ टाइम से चार बंदे आए थे, चारों को हमने वेरीफाई कराया था। नहीं नहीं हमारे को नहीं कराया, हमारे को ये कहा गया है कि भाई टावर जो है नहीं लगेगा। हमारे को सिर्फ इतना पता है कि इन्होंने ये कहा कि टावर नहीं लगेगा, लेकिन हमारे को ये नहीं बताया गया कि भाई टावर जो है लगाना है। बात जो भी है खाली मेरे घर लगा हुआ है, ये पीछे खासा कॉलेज भी लगा हुआ है। चलो वो छोड़ो, आप अपने घर की बताओ, हमें अपना मोहल्ला साफ रखना है, दूसरों का मोहल्ला दूसरे वाले साफ करेंगे, मेरी गलत वो उनके मोहल्ले वाले जाते हैं। अपने चारों तरफ क्या देख रहे हो, टावर लगे नहीं लगे? नहीं हमारे हमारे मोहल्ले में ऐसे टावर नहीं लगे हुए। कौन से लगे हुए? नहीं लगे हमारे। हाँ फुल टावर लगा हुआ खालसा कॉलेज पे, कहाँ पे? वो खालसा कॉलेज हमारे मोहल्ले में नहीं आता है। तो ये एक बात यार, ये जानना चाहते हैं आने वाले समय में टावर अगर हटाने की परमिशन मिलती है तो आप इसमें सहमत होंगे, लोगों का साथ देंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार साथियों, इस समय मैं पहुंच चुकी हूं जिला यमुनानगर की न्यू हमीदा कॉलोनी में और मेरे पीछे यहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो चुकी है। लोग यहां पर एक बात का जो है बहुत ही ज़्यादा खंडन या विरोध करते नज़र आ रहे हैं। बता देना चाहती हूं वो मामला क्या है। न्यू हमीदा कॉलोनी के एक घर की एक छत के ऊपर एक टावर लगा दिया गया है और ये टावर कब लगा है, जब रात को सब लोग बेनिश्चिंत आराम कर रहे होते हैं। लोगों के तो दिमाग में भी नहीं था या इन लोगों को तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि ऐसा कोई टावर इनकी खुद की कॉलोनी के अंदर छत पर लगाया जाएगा। और एक घर के एक छत के ऊपर वो टावर लग चुका है। 5G कनेक्शन को लेकर ये टावर लगा है या किस बात को लेकर ये टावर लगा है अभी तक मामला नहीं पता लगा। फिलहाल जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो MC हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। एक बार सबसे बातचीत जरूर करेंगे जी। सबसे पहले तो लोगों से बातचीत करते हैं। राजकुमार, हाँ जी राजकुमार, कनेक्शन लगा है किस बात को लेकर, ये कनेक्शन लगा है किस चीज़ का कनेक्शन? ऐसा है जी, हम लोगों को तो पता भी नहीं कि भी कब यहाँ पे टावर लगा दिया है। ये बता रहे हैं कि एयरटेल कंपनी का टावर है, 5G टावर है, ले कह रहे हैं इसका नुकसान कोई नहीं है। लेकिन टावर कोई भी लगा हो उसका नुकसान तो है ही है। अगर नुकसान नहीं है, कोई चिड़ी नज़र आ रही है आपको? पूरे शहर में कोई चिड़ी नहीं नज़र आ रही। और अब नए से नए टावर हमारे को बिना मतलब कॉन्फिडेंस में लिए मल्ले को हमारे को यहाँ टावर लगा दिया इन्होंने, तो मल्ले वालों से पूछना चाहिए। एक बार हमने विरोध किया तो जिस की दुकान पे टावर लगाया उसने एक बार तो हाँ कर दी कि भी टावर नहीं लगवाएंगे। फिर पता नहीं क्या उन्होंने साठ गांठ करी है, उसके बाद भी टावर लगा दिया है। मल्ले वालों को कह दिया टावर नहीं लगेगा और वहाँ पे टावर लगवा दिया है। कब लगा रहा? ये रात को लगा दिया, ये रात रूत को ही लगा दिया। हमें तो बजे के करीब ये लगभग रात को 2-3 बजे के बाद लगा। ये इतने बजे जब आप लोग सो रहे थे? जब हम सो रहे थे। अच्छा, क्या नुकसान है इस टावर के? इससे नुकसान इंसान है, ब्रेन एवरेज, हार्ट अटैक वगैरह का, जो नेट पे देख लो आप, नेट पे भी साथ लिखा हुआ है कि इससे ये प्रॉब्लम आती है। छोटे बच्चों के लिए तो खास करके नुकसान है। जिसकी दुकान पर, जिसकी दुकान की वजह से ये टावर लगाया गया है, क्या नाम है उसका? यहीं के रहने वाला है? ये पापा जी मोबाइल के नाम से उनकी दुकान है। पापा जी मोबाइल वाला जी। तो उसे नहीं पता आने वाले समय में लोगों की हेल्थ पर असर होगा इस टावर के लगने उसके से? पहले उस दिन मान गया था, उसके बाद फिर उसने रातों रात लगवा दिया वो अपने पैसों के लालच में। तो अभी आप लोगों ने जब देखा तो उससे जाके बातचीत किया? बातचीत किया, वो उतरवाने को तैयार नहीं है, नहीं मान रहा। नहीं मान रहा। क्या कुछ आगे कार्रवाई करवाएंगे? हम सारे इकट्ठा होकर DC के पास जा रहे हैं, पुलिस हमने बुलाई है, पुलिस के खिलाफ इनके खिलाफ केस भी दर्ज कराएंगे और DC के पास भी जाएंगे हम।
चलिए, और महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी आंटी जी, सबसे पहले तो नाम बताओ। हाँ जी, मेरा नाम है राजमोहिनी। राजकुमारी? राजमोहिनी। राजमोहिनी, राजमोहिनी टावर लगा है आपके न्यू हमीदा कॉलोनी में? हाँ जी, हम तो लगना चाहिए टावर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं तो वैसे ही हार्ट पेशेंट हूँ, और फिर मैं तो सबका भला चाहती हूँ। गली मोहल्ला जो होता है एक परिवार होता है, गली मोहल्ला जो है ना एक परिवार होता है, तो हर कोई परिवार का सुखी चाहता है, कोई दुख नहीं चाहेगा। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि ये टावर नहीं लगना चाहिए। चलिए, और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। जी मैम, सोचा था यहाँ पर टावर टूवर लगेंगे, कोई बात चल रही थी टावर लगने की? यहाँ हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अब ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ लग गया तो नहीं लगना चाहिए। क्या लगता है, रात को जब सोए आप लोग तो इतने में टावर भी लग गया? हमें अभी अभी पता चला है, तो यहाँ टावर नहीं लगना चाहिए। अभी पता चला, हम सब इकट्ठे हैं साथ है इसमें, कि नहीं लगना चाहिए। जी माता जी, क्या कहना? हाँ जी, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा पूजा पूजा, टावर लगा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम होनी चाहिए बच्चों के ऊपर भी, भविष्य में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, हम भी बीमार हो सकते हैं। हमें बीमार ना होने के कारण हमारे को टावर नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बुजुर्ग भी घरों में रहते हैं, वही ना बुजुर्गों को पहले सोचना होते हैं। हम लोग अपने बुजुर्गों को सोचे ना, बच्चों को सोचे। हम लोग तो चलो कर लेंगे, लेकिन बुजुर्ग हमारे सबसे ज्यादा बेस्ट है ना, वो नहीं रहेंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे। तो सरकार से क्या अपील करना चाहिए? हमें नहीं लगवाना, नहीं लगवाना, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, प्लीज। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर किस तरह से परेशान हो रहे हैं। मौके पर सिटी यमुनानगर थाना से जो पुलिस है वो कार्यवाही करने के लिए पहुंची हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू हमीदा कॉलोनी में पापा जी मोबाइल वाले की जो दुकान है, लोग बता रहे हैं उन्हीं की बदौलत यहां पर जो है टावर लग चुका है। पहले तो बताया गया था कि टावर नहीं लगेगा, लोगों को पहले तो बताया गया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर रातों रात जो है टावर लग चुका है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉन्स्टेबल पहुँचे हुए हैं, मैं एक बार इनसे जरूर जानूंगी। सर, यहां पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला जो है सामने आया है? यही आज कि उन्होंने टावर लगाया, इसकी खबर मिली थी हमको, और उसके लिए हम आए, इनको थाने बुलाया गया जी, जिन्होंने लगाया जी, उनको थाने बुलाया। आपकी ओर से अब क्या कुछ कार्यवाही की जाए? सर, ये रातों रात लगा दिए टावर इन्होंने। अब ये तो आईओ साहब लगाया गया, इसको जो इसके डॉक्यूमेंट है, जो इसका अप्रूवल है, किसके अप्रूवल है, एसएचओ साहब चेक करके काम रोक दिया गया। तो जगमाल जी, टावर लगा सकते हैं वैसे कहीं पर भी? आपकी क्या सोच है? अगर इसको परमिशन होगी तभी लगा सकते हैं, ऐसा कोई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगमाल जी आपका। तो आप देख सकते हैं जिसकी बदौलत यहाँ पर टावर लगा है उसे आगे की कार्यवाही के लिए अब सिटी यमुनानगर थाना में बुलाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है बहुत ही ज़्यादा विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि तो आप देख सकते हैं ये जो राजकुमार है, यमुनानगर के एक पत्रकार भी है ये, लेकिन आज अपने ही कॉलोनी के साथियों के साथ इस बात का जो है बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं कि इस तरह का कोई भी टावर नहीं लगना चाहिए। और आजकल आप लोगों को भी पता है कि ऑलमोस्ट सभी घरों के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं वो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी को ब्रेन हेमरेज है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इस तरह के टावर लगने से आने वाले समय में कहीं ना कहीं बुजुर्गों के साथ जो है, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। तो एक बार जरूर जानना चाहेंगे कि राजकुमार आने वाले समय में अपने कॉलोनी वासियों का कहाँ तक साथ देंगे, क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे इस टावर के चलते। जी सर, क्या कहना? ऐसा है जी, ये टावर उतरवाने के लिए हम जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कदम उठाएंगे। हम डीसी साहब के पास भी जाएंगे, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा वहाँ भी जाएंगे। हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग बच्चे, इनको नुकसान हो उसका क्या फ़ायदा है? एक थोड़े से लालच के पीछे जो है सारे मोहल्ले का नुकसान करा दो तो ये बहुत गलत बात है। हम इस बात का पूरा विरोध करते हैं और एंड तक विरोध करते रहेंगे, ना ये टावर हम चलने देंगे। और जो भी अगर वो दुकानदार हमारे मोहल्ले से अलग होकर चलता है तो हम सारा मोहल्ला उसका बहिष्कार करेंगे। तो सर, ये क्या जो टावर लगाया गया बिना उसके परमिशन के लगाया जा रहा है? मोहल्ले वालों को तो इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया गया, किसी से पूछा नहीं गया। जब हमें थोड़ी सी भनक लगी है तो हम इसके पास गए हैं, तो तब हमारे को ये कह दिया गया कि ये टावर नहीं लगेगा, और रातों रात ये टावर लगवा दिया, हमें पता ही नहीं चला। सुबह कितने बजे पता लगा आप लोगों को? सुबह हमारे को अब मेरे ख्याल 9-10 बजे हमें पता चला जी टावर भी लग गया है। पहले कोई बात चल रही थी इस तरह के? पहले बात चल रही थी टावर को लेकर, लेकिन तो पहले हमें मना कर दिया कि भी टावर नहीं लगेगा। हम उनकी मिसिज ने भी कह दिया कि हमारे भी घर भी छोटा बच्चा है, हम टावर नहीं लगाएंगे। हम संतुष्ट होकर अपने घर चले गए तो सुबह पता चला जी टावर भी लग गया। ये तो धोखा किया मोहल्ले वालों के साथ, कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया गया, गुमराह करके बेवकूफ बनाया गया मोहल्ले वालों को। लेकिन हम लोग बेवकूफ बनने वालों में से नहीं है, टावर नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे और नहीं चलने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका भी। तो आप देख सकते हैं न्यू हमीदा कॉलोनी से मैं इस समय की तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पीछे लोगों की भीड़ तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और यहाँ पर 5G को लेकर एक पापा मोबाइल वालों की दुकान तो पूरे यमुनानगर में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसी के चलते उसी दुकानदार की ओर से पहले लोगों को
गुमराह किया गया कि टावर नहीं लगेगा। हम सब टावर नहीं लगेंगे, हम सब टावर नहीं लगेंगे, अपने बुजुर्गों की जान बचाने के लिए टावर नहीं लगेंगे, बच्चों की जान बचाने के लिए टावर नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं लोग किस तरह से इस टावर के लगने से विरोध जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत से घरों में बुजुर्ग लोग रह रहे हैं जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। इस तरह के टावर अगर यमुनानगर में जगह जगह लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है बड़े बड़े हादसे होने का खतरा हर समय उनके सर के ऊपर मंडराता नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं मौके पर अब जिसकी बदौलत पापा मोबाइल वालों को अब जिला यमुनानगर के सिटी यमुनानगर थाने में बुलाया जा चुका है, जहाँ पर उनको चेक किया जाएगा कि टावर को लेकर कोई लाइसेंस उन्होंने लिया है या कोई जो डॉक्यूमेंट है उनके पास है, किसकी परमिशन से यहाँ पर टावर लगा है। तमाम मामले की जानकारी के लिए अब उन्हें यमुनानगर सिटी थाने में बुलाया जा चुका है। आने वाले समय में ही देखना होगा आज न्यू हमीदा कॉलोनी के तमाम लोग जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या उन्हें आने वाले समय में इस लड़ाई में इंसाफ मिलता है, क्या यह टावर उतारा जाता है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल 5G कनेक्शन को लेकर, टावर को लेकर लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता नजर आ रहे हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इनका मानना है कि उस पापा मोबाइल वाले की ओर से पहले तो लोगों को गुमराह किया गया और उसके बाद अपनी मनमानी के चलते उसी की घर की छत के ऊपर टावर लगा दिया जाता है, जबकि उसकी खुद की बीवी ने भी इस बात का विरोध किया था क्योंकि उसका खुद का भी एक छोटा बच्चा है। तो आप देख सकते हैं टावर के लगने से किस तरह से लोग लगातार गुस्से के साथ साथ विरोध जताते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में न्यू हमीदा कॉलोनी के रहने वाले इन सभी लोगों को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला यमुनानगर की न्यू हमीदा कॉलोनी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।